नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। चेचनिया कमांडर रमजान कादिरोव ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर अपना समर्थन जताया। कुछ दिन पहले पश्चिमी मीडिया में ये अफवाह थी कि रमजान कादिरोव गंभीर रूप से बीमार है और कोमा में है, लेकिन कादिरोव ने पुतिन से मुलाकात कर इन सभी अफवाहों को रोक दिया है। कादिरोव ने पुतिन को भरोसा दिलाया है कि आखिरी सांस तक उनके लड़ाके पुतिन के आदेश का पालन करेंगे और रूस के लिए लड़ते रहेंगे। पुतिन से मुलाकात के दौरान रमजान कादिरोव ने चेचनिया की प्रगति की भी जानकारी दी। आपको बता दें, वैगनर ग्रुप के यूक्रेन जंग से पीछे हटने के बाद चेचनिया लड़ाकों के समर्थन को रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मुलाकात के बाद पुतिन ने चेचनिया सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। पुतिन ने कहा है कि मुझे पता है आप हर समय चुनौतियों का सामना करके आत्मविश्वास और वीरता के साथ लड़ रहे हैं। आपको और आपके परिवार को हमारा समर्थन है। पुतिन ने कहा कि हमें खुशी है, चेचनिया यूनिट के साथ रूसी सैनिकों के संबंध बहुत अच्छे हैं। कादिरोव ने पुतिन को बताया कि उनके लड़ाके अच्छे मूड में हैं, उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। सैनिक हर दिन यूक्रेन के सैनिकों को पकड़ रहे हैं और उनके उपकरणों को नष्ट भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अब्राहम टैंक से उन्हें कोई खतरा नहीं है। कादिरोव ने कहा है कि मैं कभी कभी देखता हूँ कि वो क्या और कैसे कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन की शुरुआत से लेकर आज तक लगभग 1000 बख्तरबंद वाहन खरीदे हैं। पुतिन के वफादार और चेचनिया के नेता रमजान कादिरोव ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया था जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। रमजान कादिरोव ने अपने 15 वर्षीय बेटे द्वारा एक कैदी की पिटाई का वीडियो जारी करते हुए कहा था कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, उसने उसे पीटा और उसने सही काम किया। पहले आपको बता दें कि रमजान कादिरोव के बेटे एडम कादिरोव ने जिसकी बड़ी ही क्रूरता के साथ पिटाई की थी, वो 19 साल का एक कैदी निकिता जुराबेल है, जिस पर कुरान की प्रति में आग लगाने का आरोप है। एक तरफ इस घटना के पिता कादिरोव के साथ चेचन के अधिकारियों ने तारीफ की, तो दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जो इस क्रूरता को लेकर घोर विरोध दर्ज करा रहा है। कादिरोव ने वादा किया है कि हमारे लड़ाके मरते दम तक आपके आदेश का पालन करेंगे और आपके आदेश को 100% पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि चेचनिया रूस का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिन्होंने 5 रेजिमेंट और 3 बटालियन का गठन किया है, जो सभी विशेष अभियान में भाग ले रहे हैं। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन ने रमजान कादिरोव और सभी चेचनिया लड़ाकों की जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा है कि हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि रमजान कादिरोव और उनकी टीम के कारण हुआ है, जो आत्मविश्वास के साथ काम कर रहे हैं और सरकार के साथ अच्छा सहयोग कर रहे हैं। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।